स्वागत तो है आपका लाइव जनदेश पर पांच महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने पीएम केयर फंड में हो रही धांधली को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी अब खबर आ रही है कि मराठा वाडा को मिले डेढ़ सौ वेंटिलेटर में से एक सौ तेरह खराब निकले हैं जो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए थे इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है क्योंकि सरकार महाराष्ट्र सरकार कोर्ट पहुँच गई और कहा कि हमें जो डेढ़ वेंटिलेटर दिए गए थे उनमें से तेरह वेंटिलेटर खराब निकले हैं तो वहीं महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है और कहा कि ये मामला गंभीर है इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए आपने आगे क्या योजना बनाई उसका भी जवाब दीजिए अगर इन ख़राब वेंटिलेटर की जानकारी केंद्र के पास नहीं है तो इन्हें वापस क्यों नहीं किया जा रहा है दूसरी खबर बाबा रामदेव को लेकर है एलोपैथिक पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बाबा रामदेव विवादों में बने हुए हैं आई रामदेव के बयान से बहुत ज़्यादा नाराज खफा चल रहे हैं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पीएम को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है आरोपी के रामदेव की तरफ से टीका कोरोना टीका को लेकर भ्रम और गलत बयान दिए गए हैं उन्होंने एलोपैथिक और डॉक्टर पर भी गलत टिप्पणी की थी अब आई एम ने कहा रामदेव ने एक वीडियो जो जारी किया था उसमें दावा किया गया था कि वैक्सीन की दो डोज लेने के बाद भी दस हज़ार डॉक्टर और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है आई एम उत्तराखंड यूनिट ने आज उन्हें मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है पंद्रह दिन के भीतर लिखित में माफ़ी मांगने को भी कहा है तीसरी खबर गुजरात से प्रधानमंत्री जिस गुजरात मॉडल की बढ़ाई बताते हैं उसी गुजरात में दलित को बराबर नहीं समझा जाता भेदभाव किया जाता है अहमदाबाद के वीर तालुक से एक दलित युवक की 11 लोगों ने केवल इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने मुँहे रखी हुई थी पीड़ित सुरेश का एक तेज़ हथियार से भी वार करने की बात बता रहे हैं जातिवाद गालियां भी दी गई इस हादसे में उनकी बहन भी घायल हो गई पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन में होने के बाद भी साधु संतों की हत्या का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है बाराबंकी में एक पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार टिकेतनगर कोतवाली के खमौली गांव में सुरेश चंद्र चौहान हनुमान मंदिर के पुजारी थे लंबे समय से वे यहाँ पूजा पाठ करते थे बुधवार सुबह जब लोग पूजा पाठ करने मंदिर गए तो उन्होंने पुजारी का खून से लथपथ लथपथर देखकर उनके होश उड़ गए अफरा तफरी का माहौल बन गया हत्या की खबर मिलने से पूरे महकमे में भी हड़कप मच गया मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद ली और डॉग स्क्वाड को भी वहां बुला लिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ग्रामीणों ने बताया कि बुजुर्ग पुजारी का किसी से कोई विवाद नहीं था बता दें कि पिछले एक साल में करीब पंद्रह से अधिक साधुओं की हत्या हो चुकी है अधिकतर मामलों में संपत्ति का मुख्य मुद्दा रहा है आखिरी खबर की तरफ चलते हैं उत्तर तो प्रदेश में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के कारण हालत बेकाबू है बल्कि संक्रमितों और मौत के आंकड़ों की कालाबाजारी भी की जा रही है उन्नीस मई को कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा ग्रामीण क्षेत्र में अभी संक्रमण अधिक नहीं है उन्होंने बताया कि आरआरटी के द्वारा जो टेस्टिंग हुई है उसमें नवासी हज़ार पाँच सौ बारह गाँवों में मात्र अट्ठाईस हजार सात सौ बयालीस गाँवों में कोरोना के मामले मिले हैं द किट द कुंट द्वारा दी गई पड़ताल के मुताबिक हकीकत कुछ और है सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर किसी काम के नहीं ग्रामीण इलाज के लिए दम तोड़ रहे हैं सराय में ही गांव में करीब 300 से ज़्यादा परिवार रहते हैं लेकिन केवल 25 लोगों की जांच की गई है ऐसे कई गांवों में लोगों की बुखार खांसी के बाद जान चली गई तमाम खबरों को लेकर जो भी आपकी राय हो कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें